माफिया डॉन अतीक अहमद का बुरा वक्त चल रहा है। उसके जहन में बाबा का ऐसा खौफ पैदा हो गया है कि अब उसे दिन में भी गाड़ी पलटने के सपने दिखाई दे रहे हैं। पाप की एक एक कमाई पर बाबा का बुलडोजर कहर बरसा रहा है। उसके सगे संबंधी भी अब उससे दूरी बनाने लगे हैं। जो कल तक खुद को पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन समझता था, अब उसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले तक अतीक अहमद की तूती बोलती थी, अतीक अहमद के नाम का सिक्का चलता था। वो तो बड़े बड़े सूटरों की रोजी रोटी का जरिया हुआ करता था। इलाहाबाद में तो एक तबका ऐसा भी था जो खुद को अतीक से जोड़ता था। उसे अतीक से जुड़ने का फक्र महसूस होता था। सब कुछ जानते हुए भी वे लोग उस पर नाज करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन अपराधियों पर ऐसा चाबुक चलाया कि एक ही झटके में इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। हाल ही में दिन दहाड़े प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के करीबियों और गुर्गों पर एक्शन हो रहा है, तो लोगों को वह शायर भी याद आ रहा है जो कभी अतीक का बहुत करीबी हुआ करता था, जो अपनी शायरी के माध्यम से अक्सर अतीक अहमद को मसीहा साबित करने में लगा रहता था, जो कभी अतीक की शान में अक्सर कसीदे पढ़ता सुनाई दे जाता था। उस शायर का नाम वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि उस शायर ने अतीक अहमद को लेकर ऐसी कौन सी बात कही थी जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। यह कार्यक्रम 25 नवम्बर 2015 को मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज प्रयागराज में हुआ था। कार्यक्रम में अतीक अहमद भी मौजूद था। तभी वो शायर अतीक अहमद की तरफ इशारे करते हुए अपनी शायरी पढ़ना शुरू करता है। वो अपनी शायरी में कहता है, ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना, तुम कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ी दुश्वारियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। चारों तरफ वाह वाह, बहुत खूब की आवाज गूंजने लगी और ये सुनकर अतीक अहमद एकदम से गदगद हो गया। लेकिन शायद इस बचकाने शायर को ये नहीं मालूम था कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कितने अतीक पैदा हुए और कितने जहन्नुम चले गए, वरना वो अपने शायरी में ये बात जरूर कहता कि जरा संभल कर रहना मेरे आका, गोरखपुर में बैठा है तेरा चाचा, जिस दिन वो लखनऊ आ जाएगा उस दिन तू मिट्टी में मिल जाएगा। अब आपको बता दें कि अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ने वाले वो शायर थे इमरान प्रताप गढ़ी। जी हाँ, वही इमरान प्रताप गढ़ी जो इस समय कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्हें यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन इमरान ने अपनी शायरी में उस शाम एक ऐसी बात भी कही थी जिसे आज पढ़िए तो वह सच ही लगती है। इमरान ने तब कहा था कि इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना, तुम कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। इमरान की ये बात लगता है कि अब सच साबित हो ही जाएगी, क्योंकि अब जिस अंदाज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू की है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले कई वर्षों तक किसी नए अतीक अहमद का पनपना फिलहाल मुश्किल ही है।